कैसी है माता जी? मैं ठीक हूँ। डेविड, मैंने तुम्हें फोन पर जो कहा था वो सब अरेंज हो गया? हाँ, सब अरेंज हो गया है। वाओ, कितना सुंदर है ये। इट्स ब्यूटीफुल। मम्मी, सांबर सूप खाना बहुत बढ़िया बना, है ना? डिलीशियस। मम्मी, वड़ा हो तो जरा देना। है ना बेटा, आराम से खाओ तुम। बहुत टेस्टी है, मजा आ गया। इडली, पूरी, डोसा और पुलाव बहुत टेस्टी बनता है। हमारे यहाँ का खाना खाने के लिए पुण्य का काम करना पड़ता है। और जरा तुम उन ब्रिटिश लोगों का खाना देखो तो, हे भगवान, कैसे खाते हैं। हर समय खाने में ब्रेड ही खाते रहते हैं। हम सबको इंडिया वापस बुलाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है माँ।
सासू माँ, आप खाने की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, कल से पूरा खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। जैसे ही मैंने इंडिया में कदम रखा, मेरी पहली इच्छा यही थी कि अच्छा अच्छा खाना बनाकर सबको खिलाऊंगी, अलग अलग आइटम्स बनाकर खिलाऊंगी, और कर सवेरे सवेरे ही स्पेशल खीर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है ना? क्या हुआ जी? कुछ नहीं, वो मेरी नजरों में सबकी सेहत की जिम्मेदारी मेरी है, यही सोचकर मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि सुनो ना, बस मैं ऐसे ही थोड़ा मजाक कर रहा था। तुम्हारे हाथों का खाना खाना तो सौभाग्य की बात है। लव यू। तो कल से प्रैक्टिस शुरू। मैं हूँ जोगी गुड़िया, काम वाले। काम वाली हो? तुम्हें किसने रखा काम पर? डेविड ने रखा। डेविड ने? ठीक है, जाओ। इस रूम में आने से पहले परमिशन लेनी होगी, समझी ना? जाओ अब। जाने के लिए कह रही हूँ ना? राजा कहाँ हो तुम? जल्दी से आओ। 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 मैंने जो समझाया समझ गया हो ना?
जल्दी से काम खत्म करो। हाँ? अमाला, जल्दी से दूध पियो, नहा कर रेडी हो जाओ। कॉलेज जाना है ना तुम्हें? जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। क्या देख रहा है वो? मुझे आपसे एक बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? रेखा, क्या बात है बोलो। आज सुबह जब मैं अमाला को दूध देने गई थी तो पता है वहाँ पर क्या हुआ था? क्या हुआ बोलो तो रेखा। ठीक है, मैं देख लूंगा, चलो चलते हैं। ये बात हम दोनों के बीच ही रहे। Thank you.
डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इनके मन को कोई शॉक लगा है, उसी से डिस्टर्ब होके ये डिप्रेस हो गई हैं। एक बात बताइए, इससे पहले इनके साथ कुछ हुआ था क्या? नो, नेवर। जब तक हम इंग्लैंड में थे बहुत खुशी से रहते थे, जब से इंडिया लौट कर आए हैं तब से इनके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर, आप बता सकते हैं इसके पीछे का कारण क्या है? हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं। आई थिंक इनके मन में कोई बात घर कर गई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इनका ध्यान रखने की जरूरत है, जितना हो सके रेस्ट करने दीजिए और आप लोग भी रिलैक्स रहिए। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ जिससे इनकी सेहत में सुधार हो जाएगा, ठीक है ना? ये लीजिए। थैंक यू डॉक्टर। और जब इनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो इन्हें किसी शांत जगह पर लेकर चले जाइए, इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। इल्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इल्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। इल्यूजन मतलब भ्रम। भ्रम का मतलब इंसानों के मन के ऊपर भ्रम कैसे सवार हो जाता है, आज मैं यही बताने जा रहा हूं। इंसान का मन चार प्रकार का होता है और एक इंसान भगवान को कैसे मानता है, वो भगवान की एक परिकल्पना करता है, उसकी मूर्ति अपने मन में बसाता है। ये शिलायुग है। शिलायुग के समय मनुष्य कार में घूमते हैं, ये बात तो आप सबको पता ही है। और हाँ, एक बात और, अचानक होने वाली बारिश, सड़क पर आने वाले बवंडर, काली घटाएं, बिजली, तूफान, ये सब घटनाएं इल्यूजन के तौर पे घटती हैं और मनुष्य इन सबको भगवान मानता है। और इन सब की वजह से मनुष्य के मन में भगवान के लिए एक आस पैदा होती है, फिर वो पेड़ और पत्थर को भगवान की तरफ पूजता है और फिर उन्हीं में लीन हो जाता है, यही उसकी आस्था है। और इस तरह से रिचुअल्स की शुरुआत हुई। इंसान के साथ जो घटनाएं घटती हैं वो उन्हें ही भगवान मानता है, क्योंकि इंसान जो शक्तियां होती हैं उनके सामने अपने आप को मजबूर पाता है, इसीलिए वो शक्तियों की पूजा करता है। और यही कॉन्सेप्ट भगवान है। भगवान की यही परिकल्पना मनुष्य के हिसाब से होती है तो भगवान, और नहीं तो मनुष्य उसे भूत समझ बैठता है। ये सारी कल्पनाएं उसके मन की ही होती है, जबकि भूत, पिशाच, देवता, भगवान, ये सब मनुष्य की कल्पना मात्र है। जिसमें आस्था है वो भगवान है, और नहीं तो उसे भूत पिशाच मान बैठता है। और यही वजह है कि आज तक इन्हें अपनी आंखों से कोई नहीं देख सका। मैंने देखा है सर। मैंने भी देखा है सर। ओके। क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें? सर, मैंने सच में उसे देखा है सर, इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है सर। सच में देखा है, भगवान को या भूत को? भूत सर। ठीक है, मुझे कैंटीन में आकर मिलो, तुमसे कुछ बात करनी है। सी यू अगेन। सर बैठ जाओ। कोई बात नहीं सर। ठीक है, बताओ। सर, कल रात को फ्रेंड्स के साथ पिक्चर देखने गया था। पिक्चर खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले गए, मुझे अकेला छोड़कर सर। ठीक है। मैं भी अपने घर जाने के लिए रास्ते से जा रहा था सर। मेरा घर अंदर हाईवे से 4 किलोमीटर दूर है सर। सर, आगे रास्ते पर देखा तो कुछ जल रहा था सर। वहाँ क्या है देखने गया। दिल मेरा डोले रे ला ला ला। उसको देखते ही
मेरे हाथ पैर कांपने लगे सर। मैं किसी तरह गिरते पड़ते हाईवे की तरफ आ गया सर। पूरी रात वहां पर बिताई और सुबह होते ही घर की तरफ निकला सर। इसीलिए आज क्लास में जब आप भूतों का पाठ पढ़ा रहे थे तो मेरे जहन में कल रात की घटना घूमने लगी सर। ए, उस जगह को मैं देखना चाहता हूँ और उस भूत को सर, भी। लेकिन तुम सर, मुझे आज की रात वहाँ लेकर के चलोगे ठीक है? सर सर अगर मैं उस जगह पर जाऊंगा तो मुझे भूत भी दिखेगा सर। मैं नहीं जाऊंगा सर। ए, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? आज रात हम दोनों साथ में वहाँ जाएंगे, कहीं जाना मत। सर मैं रात को तुमसे मिलता हूँ। सर सर मेरा श्राद्ध करा कर ही मानेंगे ये। पार्टी बहुत अच्छी है ना? मुझे थोड़ा काम है, मैं होकर के आता हूँ ठीक है? जल्दी आ जाऊंगा ओके? ठीक है सर, आगे मत चलिए सर, वापस चलते हैं। वो भूत कहाँ है? सर 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 वो आगे वाले पेड़ के ऊपर एकदम सजधज के ब्यूटीफुल भूत बैठा रहता है। आप जाइए, मैं यहीं पर बैठता हूँ। यहाँ आकर बकवास मत करो, मैं आगे चलता हूँ, तुम मेरे पीछे आओ। सर जब मैंने पहली बार उस भूत को देखा था तो 105 डिग्री बुखार आ गया था, अगर दूसरी बार देखूंगा तो मर ही जाऊंगा सर। आप जाकर देख कर आइए। ऑल द बेस्ट सर। शट अप, कम विद मी। ये मुझे मरवा कर रहेंगे, लगता है दोनों की जान जाएगी। दोनों की जान लेकर ही मानेंगे, इनके सिर पर भी भूत सवार है, कैसे इनको मना करूं मैं? पता नहीं क्या होगा अब। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? भगवान का नाम ले रहा हूं सर। सर 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 वो भूत वहीं पर बैठा था सर, आप देख लीजिए। मैंने देखूंगा सर। कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? सर सर मैंने देखूंगा। कोई नहीं है, रुको रुको मेरी बात सुनो। देखूंगा भूत है सर। क्या कहा? किधर? वही वो ब्यूटीफुल भूत है सर। कुछ भी तो नहीं है यहाँ, जरा आंखें खोल करके देखो। नहीं 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 कुछ नहीं, मैंने देखूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, मैं नहीं देखूंगा। ए, वहाँ पे कुछ भी नहीं। अरे एक बार भी भूत देखो तो सही, वहाँ कोई भूत नहीं है, केवल लाइट जल रही है। सच में वहाँ तो कुछ नहीं है। सर ये भूत प्रेत आत्मा पिशाच ये सब भ्रम है सर। मुझे ही सिखा रहा है। टाइम पास हो गया ना, तो फिर चले आप। एक नंबर का बेवकूफ। मैंने देखा था तो वहाँ पर भूत था। कहाँ रह गए? जल्दी आओ। यस कमिंग सर। ना भूत है ना पिशाच है, मत डरो रे भाई। अरे ये कैसे हो गया? अमूल्या अमूल्या आके खोलो। अमूल्या 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 क्या हो गया? अमूल्या क्या हो गया? क्या हो गया भगवान? बेटा
तुमने मेरी बहन को मारा। क्यों मारा मेरी बहन को बताओ? नहीं, मैंने नहीं मारा भैया। मैं तुम्हारी बहन को क्यों मारूंगा भैया? मैंने नहीं मारा है, मुझे कुछ नहीं पता है। फिर किसने मारा है उसे? मुझे तुम्हारे ऊपर शक है। मेरी बहन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने? क्या बिगाड़ा था उसने? सच बोलो। बता दो, बता दो, मुझे कुछ मत करो। उस रात क्या हुआ था बताता हूँ मैं। मैंने इतनी ही गलती की है भैया। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सच है कि मैंने आपकी बहन को नहीं मारा। मैंने उसको नहीं मारा भैया, मुझे कुछ मत करो भैया। मेरी बहन की जान चली गई, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब तुम मेरी आंखों के सामने दिखाई मत देना, तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैसूर निवासी श्रीमान, माननीय श्री प्रभु राज जी की प्रिय पुत्री चिरंजीवी सौभाग्यवती मेघला देवी जी की सगाई कनकपुर निवासी श्रीमान रुद्र प्रताप जी के सुपुत्र चिरंजीवी बसवराज के साथ विवाह का मुहूर्त गुरुवार को निश्चय किया गया है। ए, अगर तूने सच में भूत को देखा है तो साबित कर देना। अगर ये मैं साबित कर दूं तो तू मुझे क्या देगा? फ्रेंड्स, इस बार अगर मैं शर्त हार गया तो तुम सबको मैं पार्टी दूंगा। लड़कों के लिए बियर, लड़कियों के लिए वाइन, ठीक है ना? ओके, डन। अगर मैं हार गया तो सबको पार्टी दूंगा। हाँ ठीक है। सर क्या हो रहा है यहाँ? क्लास छोड़कर ये सब क्या कर रहे हैं? सर मैंने कितनी बार बोला कि नहीं है नहीं है, लेकिन ये मान नहीं रहा है। सर किस बारे में बात कर रहे हो तुम? भूत के बारे में सर। भूत के बारे में? हाँ सर, भगवान की कसम खा के बोलता हूँ, भूत मैंने देखा है सर। तुमने देखा है? कहाँ पे? गांव में इमली का पेड़ है उसी पे सर। इमली के पेड़ पर भूत है, जाए ख्याली पुलाव। सर इसे बीच में बोलने के लिए मना कीजिए ना सर। hey, तुम चुप रहो, तुम बताओ। कल रात को अमावस्या थी, मैं अपने पिताजी के लिए रात में खाना लेके जा रहा था सर, और रास्ते में एक विशाल सा इमली का पेड़ है सर। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि अरे पागल रुक जा रे, मैं चिल्ला रहा हूँ और तू चलते जा रहा है, रुक जा। ए पागल कहाँ जा रहा है मेरी बात सुन, रुक जा। मैं चिल्ला रहा हूँ तू जा रहा है, रुक जा रे, रुक जा, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। उसके बाद मैं वहां से ऐसा दौड़ा कि जब तक घर नहीं आ गया पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। वो तो ठीक है, लेकिन जो पागल पागल करके चिल्ला रहा था वो कौन है? वो भूत है सर, भूत है। तो वो तुम्हें ही क्यों बुला रहा था? वो मुझे नहीं बुला रहा था सर, उस रास्ते से जो भी जाता है सबको बुलाता है सर। उससे जो भी बातें करता है वो पागलों जैसा हो जाता है, इसलिए उससे बिना बात किए वहां से भाग गया और बिना पीछे मुड़े सीधा घर भाग गया। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी उस इमली के पेड़ के पास ले चलो, मैं भी उस भूत को देखना चाहता हूँ। ठीक है सर। हा? सर मैंने जो बताया था वो यही पेड़ है सर। अब वो हम दोनों को आवाज देगा, देखिएगा सर। हम इस पेड़ के नजदीक से गुजरेंगे तो मेरा नाम लेके बुलाएगा, हम इसे पार करके आगे चले जाएंगे तो फिर से नाम लेगा सर। कोई उसका जवाब नहीं देता है सर, आप भी मत दीजिएगा। क्या हो गया, सो के नहीं उठाए क्या? क्या करूं, सर को विश्वास कैसे दिलाऊं?
ये बताओ, तुमने बोला था वो वहां से आने पर चिल्लाता है, लेकिन वहां तो चिल्लाया नहीं, और तुमने कहा था पेड़ के पास आने से भी चिल्लाता है, यहां भी नहीं चिल्लाया। चलो अब तो पता चल गया ना कि ये सब झूठ है, सिर्फ भ्रम है तुम्हारा। क्यों भाई, अब समझ गया ना कि ये जो भूत पिशाच होते हैं ना, वो इल्यूजन है, सिर्फ भ्रम है। ऐसी बात नहीं है सर, लगता है भूत आज कहीं चला गया है सर, हो सकता है वो कहीं और शिकार पे गया। हाँ, अपनी बीवी को लेकर रोटी हनीमून बनाने गया है। चलो सर, सच में भूत है सर, आप एक बार फील करके देखिए। बकवास मत करो, चलो सर। सर मैं आ रहा हूँ सर। पागल, तू फिर आ गया। Beliefs in ghosts in ancient Egyptian culture. भूतों के एग्जिस्टेंस पर कोई किताब है या नहीं ये देखता हूं। Yes, the ghost. एक्सक्यूज मी सर, नमस्कार। नमस्कार। द घोस्ट ये किताब है क्या? आप क्या पूछ रहे हैं? द घोस्ट ये किताब है क्या? ये किताब मुझे सिटी में कहीं भी नहीं मिल रही है, किसी ने बताया कि आपकी लाइब्रेरी में मिल जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। वो किताब तुमको क्यों चाहिए? मैं एक प्रोफेसर हूँ, भूतों के बारे में मेरी स्टडी है, इसलिए मुझे वो किताब चाहिए थी सर। उस किताब के बारे में तुमको कुछ पता नहीं है भाई, वो काफी सेंसिटिव किताब है। ये भूत प्रेत पिशाच आत्मा उन सब के बारे में सच्ची घटना उस किताब में लिखी हुई है। द डार्क नाइट, एम्प्टी स्पेस, द हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट, स्पीकिंग सोल्स, इनके बारे में जितनी भी पिक्चर्स हैं उस किताब में से एक एक अध्याय निकालकर उसी आधार पर सारी पिक्चरें बनी है। जब ये पिक्चर बन रही थी तो ये पिक्चर बनते समय कितनी सारी प्रॉब्लम आई थी तुमको ये पता भी है क्या? इसीलिए तो उस जमाने में उस किताब को वर्ल्ड वाइड गायब कर दिया गया था। आओ, आपके कहने का मतलब वो बुक मुझे कहीं नहीं मिलेगी सर? मिल सकती है, हो सकता है कि ना भी मिले। उस किताब की एक कॉपी मैंने अपनी लाइब्रेरी में भी देखी है, वो अभी तक पड़ी होगी। ओह, चलो ढूंढते हैं, अगर मिल गई तो तुम्हारी किस्मत। थैंक यू सर, चल के ढूंढते हैं। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए यह किताब हमें मिल गई। तुम कह रहे थे कि रिसर्च कर रहे हो, इसीलिए यह किताब एक दिन के लिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। कल शाम होने के बाद इसी समय पर यह किताब मुझे लौटा देना। जी जरूर। एक बात और, यह किताब मेरी लाइब्रेरी में है और मैं तुम्हें दे रहा हूं, हम दोनों के अलावा यह बात किसी को ना पता चले। श्योर सर, प्लीज। Best of luck. Thank you very much, sir. Okay, sir. Ghosts were thought to be created at time of death, taking in memory and personality of the dead person. They travel to the another world where they were assigned the position and led the existence similar in some ways to that of the living. Relatives of the dead were expected to make offering of foods and drinks to the death. A ghost could be used to exact revenge on an enemy by scratching a curse, a piece of left, and they...
सच्चाई हो सकती है, मुझे नहीं लगता, लेकिन संभावना तो हो ही सकती है। रेखा, क्या हुआ? क्या हुआ? स्वीटी अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है? वहाँ पे देखो, आपने देखा क्या माँ? मुझे क्या पता कहाँ गई होगी। ठीक है, हम लोग उसे ढूंढते हैं। स्वीटी, 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 कहाँ चली गई होगी? कहीं दिखी क्या? स्वीटी, स्वीटी कहाँ चली गई आखिर? स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी कहाँ हो? स्वीटी, 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 रक्षिसो श्रीशा श्रीनिवास, रक्षिसो श्रीशा श्रीनिवास, श्रीनिवास, रक्षिसो श्रीशा श्रीनिवास, रक्षिसन्न कमलाक्ष। सुनिए, प्रसाद ले लीजिए। हे, मैं ये सब ना खाता हूँ और नहीं मानता हूँ। तुम्हें कितनी बार बोला है ना मैंने? वो जो बोल रही है उसमें गलत क्या है बेटा? भगवान से बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं है। प्रसाद ले लो बेटा, इस प्रसाद में हमारे परिवार को बचाने की शक्ति है। तुमने मंदिर आने की जिद की, मैंने मना नहीं किया, लेकिन मेरे न मानने से आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरी मर्जी, मैं भगवान को नहीं मानता, मेरी नजर में ये सब इल्यूजन है। प्लीज मुझे फोर्स मत कीजिए। सुनिए, इस पूरे गांव में ये अच्छा घर है, इसीलिए हम रिश्ता जोड़ने के लिए आए थे, लेकिन ये इतना बेशरम है अब पता चला। एक्सक्यूज मी, आप क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाहते हैं? ये देखो इस पेपर में क्या आया है, आप इसे देख के बताइए। ये आपकी बहन ही है ना, इतने दिनों से कहाँ गायब है? बताइए मुझे, है कोई जवाब? आप तो विदेश से आए हुए ना,
मान मर्यादा इज्जत ये सब क्या होता है पता है क्या आपको? सर धीरे से बात कीजिए ना, आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। बैठ के क्या खाक बात करेंगे, मुझे सब पता है समझे। तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग गई होगी और मैं इसे अपने घर की बहू बनाने वाला था। नहीं, मेरी बहन के बारे में उल्टा सीधा बोलोगे तो यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं लौटोगे। मेरे परिवार के बारे में बोलने की औकात नहीं है तुम्हारी, चुपचाप चले जाओ यहाँ से। एक मिनट भी मेरे सामने रुके तो मैं क्या करूंगा मुझे खुद पता नहीं, चले जाओ यहाँ से प्लीज। हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं। आई सेड गेट आउट। चल रहे, इस घर की लड़की को बहू नहीं बनाना है। नींद नहीं आ रही है? वैसे इस समय तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ पर भूत है, लेकिन आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब तो मेरी बात पर यकीन कीजिए, छोड़िए मुझे। रेखा, नमो तुलसी प्रचोदयात्। ओम तुलसी प्रचोदयात्। मालकिन, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो डेविड। इस घर में जो चल रहा है उसे देखकर मेरे दिल को बहुत कष्ट पहुंच रहा है मालकिन। आप गलत मत समझिए, अपना समझता हूं, इसलिए आपको एक बात बताना चाहता हूं। फादर श्रीनिवासन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं मालकिन। अगर आप कहें तो मैं उन्हें बुलाकर लाऊं क्या? अगर उनकी कही हुई बात आप मानेंगी तो। तुम्हारा जो काम है ना बस वही करो। डेविड थोड़ा रुको तो। हाँ? रेखा, इसके बोलने का कुछ मतलब है। ये हमारे भले के लिए बोल रहा है, हमें उसे एक बार बुलाना चाहिए ना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। डेविड, वो कहाँ मिलेंगे? छूट गया, लेकिन मेरे लिए वो सब है। मेरी छोटी बेटी के लिए पता है मैं क्या लाया हूँ? मैं मेरी छोटी बेटी के लिए लाया हूँ खरगोश, एक छोटा सा नन्ना सा खरगोश। चलो अब जल्दी से देखो ये कैसे चलता है, है? देखो, आंख बंद करो और देखो। नाचो नाचो नाचो, गाओ गाओ गाओ। है मेरी बेटी को और क्या पसंद है बताऊं क्या?
लॉलीपॉप, लॉलीपॉप लाया हूँ, लॉलीपॉप। तुम लॉलीपॉप खाओगी ना बेटा? मैं लॉलीपॉप लाया हूँ तुम्हारे लिए, लॉलीपॉप खाओगी ना? हे, मैंने कहा ना चुप रहो। जब मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। बात समझ में आई क्या? मेरी नजर में वो बुरा इंसान है। हाँ, तुमसे बात करता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। तुमसे बात करके मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगा? पार्क में। तुम्हें पता है ना पार्क में क्या होता है? पार्क में बत्तख होती है और बत्तख क्वाक क्वाक करके उड़ती रहती है। फादर, फादर। तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा क्या? जब माँ के घर में रहते हो तब दूसरा कोई नहीं दिखता है। ध्यान रखो, सच देखा जाए तो इस दुनिया में हर इंसान एक प्रकार के चक्रव्यूह में है। हमारी आंखों के सामने जो रहता है दूर जाने के बाद वो खाली समाधि ही रह जाती है। फिर कितनी भी कोशिश कर लो खाली समाधि से कुछ हासिल नहीं होता है। हाँ। बेटा ये खा लो ना, तुम खाती क्यों नहीं हो? ये ऊपर वाले देख मेरी प्यारी मुझसे बात नहीं कर रही है। इसे मुक्ति दे दे प्रभु, मैं इसे जो भी देता हूँ ये खाती नहीं है। मुझ पर इतना तो एहसान कर प्रभु, इसे मुक्ति दे दे प्रभु, मुक्ति दे दे। ए मेरी छोटी मुझसे बात कर ना, मुझसे बात कर। ये मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है? ये कुछ खाती क्यों नहीं है? फादर, कौन है तुम लोग? कौन हो? फादर, फादर। ए, तुम लोग क्या चाहते हो? यहाँ पर क्यों आए हो तुम? मेरी आंखों की नूर को ले जाने आए हो क्या? मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करने दूंगा। तुम जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ तुम सब निकलो यहाँ से, भाग जाओ। निकलो यहाँ से, कहा ना भाग जाओ, भागो यहाँ से। भागो यहाँ से, भागो। आई सासू माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था इस डेविड की बात पर यकीन मत कीजिए। देखा ना क्या हो गया? अगर वो पागल हमें कुछ कर देता तो? मालकिन, आपको देखने में वो पागलों की तरह लग रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ बड़ी शक्ति है। वो सामान्य इंसान नहीं है। आप उसको आज ऐसा देख रही हैं। पहले वो क्या था आपको पता है क्या? अच्छाई और उनके बर्ताव की वजह से लोग उन्हें अपना भगवान समझने लगे थे। भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने वाला, सभी लोगों के दुखों को दूर करने वाला, आज अगर वो आपको इस तरह से दिख रहा है तो उसके पीछे एक लंबी कहानी है। एक समय की बात है, चर्च में एक बार एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। उस बच्चे को कोई चर्च में छोड़ के चला गया। फिर फादर ने उस बच्चे का पालन पोषण किया, अपनी पूरी जिंदगी उस बच्चे पे लगा दी। वो किसी भी समय उससे अलग नहीं रहते थे, लेकिन एक बार जिंदगी ने उनके साथ एक क्रूर मजाक किया। जिस बच्चे को वो जान से बढ़ के मानते थे वो एक दिन उनसे दूर हो गया। वो बहुत उदास हो गए। उन्हें क्या पता था कि एक क्षण में जिंदगी ऐसी बदल जाएगी। पता है वो बच्चा ही फादर की जिंदगी का नींव था, लेकिन कुछ पापियों को यह बात रास नहीं आई। कुछ लोग उस बच्चे को फादर के पास से उठा के ले गए और बलि चढ़ा दी। उस बच्चे के मरने के बाद फादर पागलों की तरह रहने लगे। फिर धीरे धीरे फादर इस चर्च को छोड़ के कहीं दूर चले गए
और फिर वो चर्च बंद हो गया। फिर फादर ने कब्रिस्तान में अपना आशियाना बना लिया और दिन रात वहीं रहने लगे। हम जब गए थे और वो जहाँ बैठे थे ना, वही समाधि है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपके घर में जो परेशानी चल रही है उसका समाधान जरूर मिलेगा। फादर रास्ता निकालेंगे। हाँ, चिंता मत करो। ओ जीसस, रक्षा करो। ओम भीम भीम चंडी चामुंडे माता। ओम फट वाहा। आकनी डाकनी पिशाचनी काली चंडी चामुंडे माता, आकनी डाकनी को निकालो। जय माँ काली कपालिनी, भूत पिशाच डाकनी को दूर भगाओ माता। ओ गिले 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 फट स्वाहा चंडी चामुंडे माँ काली कपालिनी। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? चलो निकलो यहाँ से, निकलो। किसने बुलाया तुम्हें? किसने बुलाया यहाँ पे? जाओ। एक तो इस घर में होने वाली घटनाओं से मैं खुद ही परेशान हूँ। तुम लोग यहाँ पे आके ये तंत्र मंत्र का जाप कर रहे हो? हाँ, मेरे घर में जो मौतें हुई हैं उसका कारण तुम ही लोग हो, मुझे पता चल गया। मैंने तुम पर दया करके काम पे रखा और तुमने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, मेरे परिवार को खा गई और अब मेरी बलि देना चाहती हो तुम? नहीं, मुझे पहले ही तुम पे शक था। बोलो कौन हो तुम दोनों? साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है साहब। इस घर में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं बहुत डर गई थी साहब। इस घर में कोई बहुत बहुत बड़ी आफत आ गई है ये सोचकर मैं ये सब करवा रही थी। मुझे कुछ मत कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की साहब, कोई गलती नहीं की मैंने। नहीं साहब, मेरी कोई गलती नहीं है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं भी इनके कहने पर ही यहाँ पर आया हूँ। अब मैं किसी के भी घर में जाकर ऐसा नहीं करूँगा। मुझे बचाओ काली माता, यहाँ से मुझे बचाओ। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। अगली बार मेरी नजर के सामने आई तो मैं हैवान बन जाऊंगा, याद रखना। जाओ। सुनिए, शावर में से पानी नहीं आ रहा, कहीं ब्लॉक तो नहीं हो गया? देखिएगा। इसे भी अब बताना था। हेलो। हेलो, मैं नामदेव बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। शावर से अचानक पानी रुक गया। ओके। जरा के चेक कर लेंगे क्या? ठीक है सर, मैं शाम में आता हूँ सर। प्लीज। ओके।
दिनों से समस्याएं आ रही हैं। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, उसका सीधा सीधा जवाब देना। समझ आई क्या? है इसे पका। वो कौन है? वो इस गांव के पहले राजा थे और ये बंगला उनका पुश्तैनी बंगला है। और ये कौन है? ये गांव के दूसरे राजा थे। गांव के पहले राजा ने इन्हें उत्तराधिकारी बनाया। ब्रिटिश सरकार से युद्ध जीतने के बाद इन्हें उत्तराधिकारी पद सौंपा गया। ये महारानी कौन है? ये रानी मांतका देवी हैं। ये जय प्रभु राजा की ये धर्म पत्नी थी। राजा के गुजर जाने के बाद राज्य की जिम्मेदारी इन्हीं पर थी और इन्होंने हाथ में तलवार लेकर रानी लक्ष्मीबाई के जैसे पूरे जगत में हाहाकार मचा दिया। ऐसे वीर महिला थी ये। तो मुझे उसकी जिंदगी के बारे में अब सब कुछ विस्तार से बताओ। उस समय हमारा भारत देश स्वतंत्र नहीं था। हमारे देश में ब्रिटिश लोगों का राज था और रानी का आजाद होने का नारा था। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे बड़े बूढ़ों को इन अंग्रेजों से छुटकारा मिल चुका है और मुझे खुशी है कि अंग्रेज हमारा देश छोड़कर अपने देश चले गए। इसी दिन का तो हम अभी तक सपना देख रहे थे और आज हमारा देश आजाद हो चुका है। ये दिन देखने के लिए हम सब ने बहुत मेहनत की है। हमारे प्रजा ने जो कुर्बानी दी थी वो आज रंग लाई है। महारानी, आज आपके मन को जितनी शांति मिली है हम उतने ही दुखी भी हैं। महारानी, ये साम्राज्य जब तक है महारानी, इसे चलाने का अधिकार सिर्फ आपका ही होगा और मैं युवराज बन चुका हूँ। मेरा सिंहासन, मेरा पद, मेरा घमंड, इन सब पे मुझे बहुत गर्व था। प्रजा हमारी हर कही हुई बात को मानती थी लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। हमारी प्रजा के ऊपर अब हमारा अधिकार नहीं रह गया है। जिस तरह से ये प्रजा है एक सामान्य प्रजा, ठीक वैसे ही अब हम भी सामान्य हो चुके हैं, एक प्रजा की तरह। आप कहना क्या चाहते हैं? जिस महल में वैभव नहीं होता, शक्ति के बिना गदा, अधिकार के बिना सिंहासन, मूल्यहीन होते हैं। अब हमारे राज्य पे हमारा अधिकार नहीं रहा, अब हम सिर्फ एक प्रजा रह गए हैं। राज्य के हित में अब कोई भी निर्णय लेना हमारे अधिकार में नहीं बल्कि इंग्लैंड के महारानी के हाथ में। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारी दया और हमारी प्रजा, ये हमारी संस्कृति है और जब तक हम जिंदा हैं ये रहनी चाहिए, तभी तो हमें शांति और विजय प्राप्त होगी। महाराज, महारानी जो बोल रही है वो एकदम सत्य है। हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा राज्य, इसकी एक अलग पहचान है। महारानी जो कह रही हैं उसके ऊपर आप विचार कीजिए। महाराज, आप कौन से राजशाही की बात कर रहे हैं?
फिरंगियों ने महाराजाओं को मार डाला, प्रजा को बहुत नुकसान पहुंचाया। आपके कहने का मतलब है कि अब हम इंग्लैंड जाएंगे? आपकी बात में मुझे न्याय नहीं दिख रहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। महाराज, मंत्री जी की बातों में सच्चाई कुछ है। कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरी सोच एकदम सही है। अनुमति दीजिए महारानी, मैं अपना एक अलग राज्य बनाना चाहता हूं। अलग अलग विचारों वाले लोग एक साथ कतई नहीं रह सकते हैं, इसलिए अब मेरा साथ रहना संभव नहीं। बस बहुत हुआ महारानी, अपनी जुबान को लगाम दीजिए। अब अगर एक और शब्द हमारे खिलाफ बोला तो मैं आपका क्या हश्र करूंगी, ये मैं खुद भी नहीं जानती, समझ गए आप इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है। अभी यहाँ से जा सकते हैं, चले जाइए इस राज्य को छोड़कर, चले जाइए। महारानी, इसीलिए वो देश छोड़कर इंग्लैंड को रवाना हो गया और रानी मातंगी यही महल में रही, कहीं नहीं गई। इतनी बात है फादर, जितना पता था उतना बता दिया मैंने। और इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। चरित्र के खजाने में जो गुम हो गए सत्य किसी सामान्य को नहीं पता चलता है। ऐसी सच्चाइयां सिर्फ ज्ञानी लोगों को ही पता चलती है, यानी सिर्फ हमारे जैसे लोग। महारानी मातंगी जब ये राज्य छोड़कर गई, तब जो तकलीफ होने हुई तब से ये आतंक शुरू हुआ। एक जमाने में रानी की तरह रहने वाली औरत बगैर खाना पीना खाए उसे ऐसा जीवन जीने पे मजबूर होना पड़ा, और दिन ब दिन उसके शरीर के साथ उसकी रूह, उसकी आत्मा भी कठोर होती चली गई, और ये सब उसके साथ मजबूरी वश हुआ। और एक बार रात को पता है उसके साथ क्या हुआ? पानी 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 मातंगी ना चाहते हुए भी उस कुएं में गिरकर मर गई, और उसकी आत्मा उस कुएं में ही गिरकर रह गई। हाँ, लेकिन ये रहस्य किसी को नहीं पता। जब तक रानी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, वो यहाँ रहने वाले किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। यहाँ पर रहने वाले हर एक शख्स की वो जान ले लेगी। एक आत्मा को अपना काम करने के लिए एक शरीर चाहिए ही, और वो जरूर लेके रहेगी। इसलिए रानी मातंगी की आत्मा इस घर में रहने वाले एक इंसान के शरीर में प्रवेश कर चुकी है, और वो शरीर किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारे बेटे और इस घर के मालिक का शरीर है। क्या बकवास कर रहे हो?
मेरे पति भला अपनी बहन को क्यों मारेंगे? अपनी बहनों के मरने के बाद उन्होंने कितना दुख झेला है ये बात सिर्फ मैं जानती हूँ। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, मैं मान ही नहीं सकती। नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना? तो तेरे जन्मदिन के दिन जब तेरा पति बाहर जाता है और ये बोल कर चला गया, लेकिन तुझे क्या पता कि वो कहाँ गया? पता है? मैं खानदान में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और तू मेरा पहला शिकार बनेगी। मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी तुझे। बहुत प्यास लगी है ना तुझे? प्यास लगी है? तो पानी पिला, पानी पिला मुझे, पानी पिलाओ मुझे, पानी पिलाओ मुझे। किसी को नहीं छोड़ूंगी। पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए, पानी चाहिए मुझे, पानी चाहिए। मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करती। क्या कहा, क्या कहा? यकीन नहीं करती है तू? यकीन नहीं करती है तू? तेरी दूसरी बेटी के साथ भी उस आत्मा ने उसी तरह उसकी जान ली, लेकिन ये बात तेरे बेटे को पता नहीं है। तेरे बेटे के शरीर में रहकर वो मातंगी की आत्मा ये सब कर रही है। जब तुम लोगों ने आकर इस घर में पहली बार कदम रखा था, तब से उस आत्मा ने तुम्हारे बेटे के शरीर में प्रवेश कर लिया था। उस दिन जब तुम उस मंदिर में गई थी, तो वहाँ पर जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें याद है क्या? उसने अपने चेहरे पर कुमकुम लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उसके अंदर तब तक बुरी आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। उस आत्मा ने उसे पूरी तरह अपने वश में कर लिया, और ये सारी हरकतें उससे वो ही करवा रही है। एक तरफ तो वो लोगों को ये समझा रहा है कि भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होते हैं, और दूसरी तरफ वो अपने ही लोगों को पूरी तरह से मार रहा है, और ये सिलसिला चलता रहेगा। कई सालों पहले इस घर के आंगन में परिवार नहीं बसा, इसलिए वो आत्मा बहुत ही गुस्से में है, इसलिए यहाँ जो भी रहने आएगा उसकी बलि मांगेगी। कल वो आत्मा इस घर में एक और जान लेने वाली है, और पता है वो कौन है? पता है वो कौन है? वो तुम हो। फादर, क्या इसे रोका नहीं जा सकता है? फादर, रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई समाधान नहीं हो, लेकिन समस्या के पीछे जो छुपा है उसके बारे में सोचो। अरे क्या हुआ रेखा? रेखा क्या हुआ? रेखा क्या हुआ, कुछ बताओ तो। अरे कुछ नहीं हुआ जी, मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए हम मम्मी पापा के घर चले जाते हैं। जब से यहाँ इंडिया आए हैं वहां जाने का टाइम ही नहीं मिला। प्लीज जी। तुम जाकर आ जाओ, ये सब पूछने की जरूरत नहीं, पर मैं नहीं आ सकता। मैंने अपनी दो दो बहनों को खो दिया, जिसका मुझे बेहद दुख है रेखा। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम और मम्मी ही बची हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, इसीलिए
ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। इस समय मैं सिर्फ अपना वो काम पूरा करना चाहता हूँ रेखा, मुझे अपने मकसद में कामयाब होना है। रेखा तुम होकर के आ जाना। चुप हो जा रहा है। Thank you.
रुक जाओ, मेरी तरफ बताओ, मेरी तरफ बताओ। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ, मैंने बोला रुक जाओ। मेरी तरफ बताओ। चाहे कितना भी खिड़खिड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मातंगी हूँ मैं, सबकी बलि दूंगी और फिर तांडव करूंगी। छोड़ दो मुझे। मातंगी प्यासी मर गई थी मैं, प्यासी। छोड़ूंगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगी।
ये क्या कर रही हो मातंगी? माना तुम्हें किसी और ने दगा दिया, लेकिन इस तरह से किसी और को जान से मारना गलत है मातंगी। अपना उद्देश्य अपने पास रख। तुमसे कह रहा हूँ वो मान जाओ मातंगी, ये सब मत करो, छोड़ दो। इन सब की जान लेना गलत है मातंगी। इन सब की बलि लेके क्या दिखाना चाहती हो? ये सब तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कुटुंब और तुम्हारे वंश का हिस्सा है। मैं जो कह रहा हूँ उस सिद्ध को छोड़ दो मातंगी, ये पूरी तरह से गलत है। मैं इस घर को श्मशान बना कर ही छोड़ूंगी, कोई नहीं रोक पाएगा मुझे। मैं रोकूंगा और मैं रोकूंगा, मैं तुझे तुम्हारे मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। सबको मार दूंगी। ए मुराद, मेरे मन में जो प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है उस अग्नि में सबको जला डालूंगी। मेरा कर्तव्य यही था। मैं कठोर इसलिए बनी क्योंकि मैंने कुछ ऐसे अनुभव किए जो मैंने सपने में भी नहीं सोचे थे। मेरे दिल पर क्या बीती है मैं ही जानती हूँ। इस राजमहल को जलाकर खाक कर डालूंगी, सब खत्म कर दूंगी। मेरे बदन में आग लगी हुई है, अगर मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तेरे टुकड़े कर करके खा जाओगे। तुम अपना यह नाटक या अत्याचार बंद करो। तुम जैसी दुष्टशक्तियाँ कभी भी बचकर नहीं जा सकती। किसी वजह से तुम्हारी तो आत्मा रह गई है, उसने इतने लोगों की बलिया ली, मैं उसका अंत कर दूंगा। तू मेरा अंत करेगा? हाँ, तू मेरा अंत करेगा, करके दिखा। नहीं छोड़ूंगी तुझे भी। तू जा, तू जा किसे मुझसे। तुम्हारा लक्ष्य था लोगों को मारना और मेरा लक्ष्य था सबको बचाना। अंत में हार होती है उस दुष्टात्मा की जो लोगों की जान लेती है। तुम्हारी ये दुष्टात्मा तुम्हारे शरीर से बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, इसे बाहर आने दो, बाहर निकलो। मैं कहता हूँ दुष्टात्मा बाहर निकलो, बाहर निकलो। Hey, निकल जाओ इस शरीर से। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ, तुम्हारे इस शरीर पे कोई हक नहीं है। जल्दी बाहर निकलो, मैं कहता हूँ बाहर निकलो, निकल जाओ, बाहर जाओ, निकलो बाहर, आ जाओ बाहर, चलो बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर निकलो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर, इस शरीर को छोड़ दो, बाहर निकलो। बाहर जाओ, चली जाओ, कभी लौट के मत आना, भाग जाओ, निकलो यहाँ से। एक परमपिता परमात्मा, परलोक में जो आत्माएं हैं उनको शांति देना, बुरे कामों से मुक्त करके उन्हें अपने पास बुला लेना प्रभु, उनका संरक्षण करना। माँ,